आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, शुद्ध जल 273 केल्विन और एक बार पर हिमभूत होता है। फिर कह रहा है कि 34.5 ग्राम एथेनॉल को 500 ग्राम पानी में डालने पर बिलियन का हिमांक बदल जाता है। जल का हिमांक अनुमान स्थिरांक 2 केल्विन केजी पर मोल है। नीचे दिखाए गए चित्र वाष्प दाब के ताप के विरुद्ध आलेख को निरूपित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमांक के बदलाव को निरूपित करता है जबकि एथेनॉल का आणविक भार 46 ग्राम पर मोल हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हिमांक का अवनमन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हिमांक का अवनमन। आपको पता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी और वाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो हिमांक में अवनमन होता है। तो हिमांक में अवनमन होगा तो हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ लिखते हैं और इसका सूत्र होता है केएफ इंटू एम। केएफ हिमांक स्थिरांक होता है और एम मोलरता होता है। चलिए देखते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। के एफ क्या है हमारा, हिमांक स्थिरांक है और हिमांक स्थिरांक क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2 केल्विन केजी पर मोल स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक दे रखा है। और मोलरता का सूत्र क्या होता है, भार यानी कि विलेय का भार। विलेय क्या है हमारे लिए, एथेनॉल है और एथेनॉल का भार कितना दिया गया है, 34.5 ग्राम। तो भार बटा में अणु भार कितना इसका, 46 ग्राम। तो भार बटा अणु भार इंटू 1000 बटा में विलायक का द्रव्यमान, विलायक जल है इसका द्रव्यमान 500 ग्राम दिया गया है। यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हल करने पर ये वैल्यू 3 आ जाएगा, 3। अब डेल्टा टी एफ क्या होता है वो देखते हैं। तो डेल्टा टी एफ होता है हिमांक का अवनमन, शुद्ध क्या होता है टी एफ यानी कि शुद्ध विलायक का हिमांक यानी कि 273 यानी शुद्ध विलायक का हिमांक किसको बोलेंगे, टी एफ नॉट। और बिलियन का हिमांक क्या है, टी एफ। ये क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है। तो 273 माइनस बिलियन का हिमांक मुझे नहीं पता है और डेल्टा टी एफ 3 है तो हमारा बिलियन का हिमांक कितना आ जाएगा, 270 केल्विन आएगा, 270 केल्विन। ये है बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक हिमांक। और शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है, 273 केल्विन। इसको ग्राफ में दिखाना है, चलिए हम इसे वक्र से देखते हैं। तो देखिए हिमांक में अवनमन होता है, किसका हिमांक जाता होता है, तो शुद्ध विलायक का। ऊपर वाला जो हमारा वक्र है ना, ये किसका है, शुद्ध विलायक का है। और नीचे वाला किसका है, बिलियन का है, नीचे वाला बिलियन का वक्र है। यानी शुद्ध विलायक का हिमांक बिलियन के हिमांक से ज़्यादा होता है। और जब इसको ठंडा करते हैं तो दोनों का क्या होता है, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का फेज यानी कि अवस्था समान हो जाता है। तो ऊपर वाला जो हमारा शुद्ध विलायक है उसका हिमांक कितना है, 273 केल्विन, और बिलियन का हिमांक कितना है, 270 केल्विन। तो दोनों में हिमांक का अवनमन कितना आएगा, अंतर आ जाएगा, 3 आएगा। तो इसको कर्व से ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा वक्र है, ये हमारा बिलियन का हिमांक 270 और शुद्ध विलायक का 273। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।